तो ये हमारी नैनो वाइट की देख सकते हैं, ये एक काउंटर टॉप रख दिया है, बाकी अभी इधर और इस साइड रखेंगे। ये रेडीमेड किचन है, इसमें केवल हम लोग को ये मार्बल लगाना है जो कि ये नैनो वाइट का है। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और इस पर चाहे पानी या चाहे कोई भी दाग नहीं लगता है। अच्छा क्वालिटी का ये ग्रेनाइट होता है, हार्ड मटेरियल का। तो रही बात इसमें जो सामने की हम लोग टक्कर लगाएंगे, तो इस तरीके से अगर हम लोग लगाएंगे तो ये सामने का जॉइंट ये अच्छा नहीं होता है, काला पड़ जाता है। तो इसमें हम लोग बीच में वी ग्रुप बनाएंगे, तो हम बनाएंगे और फिर दिखाएंगे आपको किस तरीके से लगता है पूरी डिटेल में। तो बने रहिएगा, अभी इस पर टाइल भी लगनी है, पूरा फिनिश करेंगे, आपको पूरे डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखते हैं दोस्तों, ये हमने जो है टॉप अभी सेट कर लिया है, अभी इसके नीचे की पट्टी लगाना है। पहले क्या किया है कि ये टॉप इस तरीके से टॉप रख लिया है और इसमें जो मशीन भरना था इस तरीके से मशीन भर रहा है ताकि इसमें गैप ना रहे, उसके बाद अब नीचे की पट्टी लगाएंगे। तो चलिए वहाँ देखिए दोस्तों, ये इस तरीके का पूरा सेट कर लिया है, अभी यहाँ सामने पट्टी लगनी है पूरे में, और पट्टी पहले सेट करेंगे उसके बाद उसमें ग्रुप मारेंगे, टेपर जिसको बोलते हैं सैम्पियर, उसको 150 का सैम्पियर मारेंगे ताकि जो है वी ग्रुप बन जाए। तो वी ग्रुप इसलिए बनाएंगे ताकि इसमें गंदगी ना फंसे और देखने में भी अच्छा लगता है। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं ये 2 इंची की पट्टी है, ये पट्टी काट ली थी, अब इसके नीचे काउंटर के नीचे लगाने के लिए। तो अब यहाँ पे काउंटर रख के उल्टा पहले पट्टी सेट करेंगे, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी धार रहती है, तो पहले उसको सीधी कर लेंगे उसके बाद फिर उसमें ग्रुप बनाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये सिलिकॉन से हम लोग इसको लगा रहे हैं, सिलिकॉन से इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो है पकड़ मजबूती से मतलब पकड़ ले, क्योंकि ये फर्नीचर का है और फर्नीचर के ऊपर हम लोगों को मार्बल का पेस्ट मतलब मार्बल को चिपकाना है, पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सिलिकॉन भी अच्छा रहता है, और आप लोग हम लोग जो है एरेल्डाइल जो होता है उसको भी यूज़ करते हैं। तो सिलिकॉन इसलिए यूज़ किया है ताकि थोड़ी सी थिकनेस मिल जाए, उसकी हाइट बढ़ जाए, तो हल्का फुल्का जो टाँचे होते हैं फर्नीचर बॉक्स में तो वो लेबल में आ जाए, तो इसलिए सिलिकॉन का यूज़ कर रहे हैं। और सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट रहता है क्योंकि ये वाइट है, तो नीचे से लाइट इफेक्ट पड़ता है तो वो चमकता है एरेल्डाइल, इसलिए सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, और फिनिशिंग अच्छी आती है। तो दोस्तों इसी तरीके से देख सकते हैं, ये अभी मेरा फिनिश हो जाएगा, फिर हम आपको आगे दिखाएंगे टाइल लगाते हुए और फाइनल लुक भी देंगे। और अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि ये इसका रेट क्या होता है ग्रेनाइट का, ये वाइट नैनो ग्रेनाइट का। तो वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा, अभी हम आपको रेट भी बताएंगे साथ ही में। तो दोस्तों काउंटर हमारा फिनिश हो चुका है, और जैसे कि मैंने बताया था जो है काउंटर के नीचे जो पट्टी लगाएंगे उसमें वी ग्रुप बनाएंगे, जैसे कि ये देख सकते हैं ये वी ग्रुप बनाया है। तो ये वी ग्रुप बनाने की वजह क्या है कि इसमें जो जॉइंट अगर हम लोग आपस में चिपका के लगाते हैं, वी ग्रुप ना बनाते तो वो जॉइंट काला पड़ जाता है, तो वो सफाई में नहीं मतलब जितना भी साफ़ करेंगे वो काले ही हो जाता है कुछ समय बाद, तो उसके लिए वी ग्रुप बनाया है। बाकी ये काउंटर के ऊपर देख रहे हैं ये जॉइंट अभी से ही काला हो गया है, तो अब इसमें करेंगे क्या, इसमें वाइट एरेल्डाइल आता है वो इसमें फिलिंग करेंगे, तो उससे थोड़ा सा ये कवर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो कहीं भी ये ग्रेनाइट वाइट वाला होता है अगर, तो वी ग्रुप ज़रूर बनाते हैं ताकि उसमें गंदगी ना रहे। और अभी ये सैम्पियर इसमें सिंग वाले में मार दिया है, और अभी इसमें पॉलिश होना है, फिर आपका इसका सिंग इसमें पेस्ट हो जाएगा। और रही बात इसके कॉस्ट की, तो ये जो आम ग्रेनाइट होता है उससे थोड़ा सा कॉस्टली होता है। जैसे आम ग्रेनाइट आपको 150 से लेके 200 अच्छे मतलब ग्रेनाइट मिल जाएंगे, लेकिन जो ये वाइट नैनो होता है इसका जो है प्राइस 400 से लेके 500 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो रही बात इसकी टाइल की, तो इसमें टाइल 2.5x5 की यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत टाइल है, सेम डिज़ाइन है, देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल लुक आपको दिखा रहे हैं। इसमें इटालियन का लुक है टाइल में, 2.5x5 का है। और अगर आपको टाइल की वीडियो देखनी है, टाइल के बारे में और भी जानकारी आपको चाहिए कि कैसे क्या उसका प्राइस होता है, क्या कॉस्ट हम लोग लेते हैं, इसकी लगवाई क्या लेते हैं, और इसे किचन पूरी कॉस्ट कितनी पड़ी है, तो हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो अगर आपको जानना है तो हमारी टाइल वाली वीडियो ज़रूर देखें, आपको नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर उसमें आपको बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। तो हमारे चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।